30 मिनट की एक ऐसी साधना के बारे में बताऊंगा जिसे कोई भी आम आदमी भी संपन्न कर सकता है। ऐसी एक साधना जिसमें मैं दो प्रकार के मंत्र बताऊंगा, एक मुस्लिम तंत्र से, एक हिंदू तंत्र से। आग हिंदू तंत्र की मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन, होलिका माता और प्रहलाद के साथ जुड़ी हुई कई ऐसी कहानियां, कई ऐसे शास्त्रों ग्रंथों में लिखा है जो आप जानते ही होंगे। उसी तरह आग के बारे में मुस्लिम तंत्र में कहा गया है कि आग यानी दोजक की आग, यानी कि आग से पैदा हुए शैतान, जिन जिन्नात, भूत प्रेत, जादू टोने, शिफली। शिफली का मतलब होता है काला, यानी गंदा, काला जादू जिसे कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं आपको कौन सी ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जो सिर्फ 30 मिनट में होगी। कैसे होगी? आपको सिर्फ नहा धोकर, साफ सुथरा होकर, होली जलाने वाली रात, याद रखिएगा, खेलने वाली रात नहीं, जिस दिन रंग लगाया जाता है उस दिन नहीं, उसके एक दिन पहले आप नहा धोकर, साफ सुथरे होकर, सफेद रंग का कोई भी वस्त्र पहन ले या काले रंग का कोई भी वस्त्र, कोई भी कपड़ा आप पहन सकते हैं। उसमें लगने वाली सामग्री है 5 अगरबत्ती, जो आपको एक खाली ग्लास में आधा चावल भर के, कच्चे चावल भर के 5 अगरबत्ती जला के उसके अंदर आपको वो अगरबत्ती खड़ी कर देनी है, यानी ग्लास में चावल भर के। धूप बत्ती लगा देनी है, एक सरसों के तेल का दिया जलाना है आपको, एक नींबू, 100 ग्राम बतासे या फिर मिठाई जो आपको समय पर मिल जाए। अपना मुंह पश्चिम की तरफ करके आपको बैठना है, वेस्ट की तरफ। अगर आपको अपनी समस्या दूर करनी है, जैसे आपके ऊपर किसी ने कोई काला जादू कर दिया है, जादू टोने से परेशान है, काम धंधा चल नहीं रहा है, बीमार है, परेशानियां घिरे हुए हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, मुसीबतें रुकने का नाम नहीं ले रही, कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है, तो आप कोई भी एक ऐसी समस्या जिसके बारे में आप सोचकर, एक नारियल लेना है सिर्फ आपको, और उस नारियल पर आपको 108 बार पढ़कर सिर्फ फूकना है। आपको नारियल पर 108 बार पढ़ने के बाद ही फूकना है। इस मंत्र में आप कोई भी रक्षा कवच खींचकर बैठ सकते हैं, अपने ऊपर पढ़कर फूक सकते हैं, दायरा बनाने की आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे तो हनुमान जी का जो मैंने रक्षा कवच बताया है वो भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर मैंने मोहम्मद शाह की दुहाई जो बताया है आप वो भी रक्षा कवच का पढ़ सकते हैं। अपने ऊपर 3 बार पढ़कर आपको सिर्फ फूक मारनी है, आपके शरीर की हिफाजत, आपके शरीर की रक्षा हो जाएगी। साल में सिर्फ एक बार करने वाली क्रिया है, साल में एक बार, यानी उस होली के अंदर हमारी सारी बुरी बला, परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां, कर्जे जो हम जिसकी वजह से परेशान है, हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, हमारे काम धंधे को किसी ने बांध दिया है, हमारे शरीर को किसी ने बांध दिया है, हमारे घर के कुल देवी देवता को बांध दिया है, हमारे ऊपर ऐसी परेशानियां लगा दिया है जिससे हम उलझते ही चले जा रहे हैं, सुलझने का नाम ही नहीं है उसमें। एक मुसीबत जाती है तो दूसरी मुसीबत तैयार खड़ी रहती है, हर आदमी भागता है, परेशानी आती है तो भागता है, दरगाहों पे, मंदिरों पे, मस्जिदों पे, बाबाओं के पास कहीं ना कहीं समस्या का इलाज कराने के लिए वो भागता है। इतना आसान तरीका, इतने शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इसको करके देखेंगे तो आपको वाकई में इसका असर देखने को मिलेगा। अब आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं या जिसको आप अपना उस्ताद मानते हैं, या अब आपको सिर्फ उस नारियल पर पढ़कर 108 बार मंत्र पढ़कर फूकना है, और मुस्लिम तरीके से कर रहे हैं तो केवल 101 बार पढ़कर फूकना है। दोनों के मंत्र अलग अलग हैं। अगर आप दुकान से परेशान हो कि दुकान नहीं चल रही है, या आपकी दुकान नहीं बिक रही है, या आपका मकान से आप परेशान हो, आपका मकान नहीं बिक रहा है, तो नारियल को मकान के दरवाजे से लगाकर नीचे की तरफ 3 बार उतारे, या मकान की तरफ या दुकान के पास, फिर उस नारियल को आप अपने सामने रखकर बैठ जाए। या आपके ऊपर कोई अगर असर है भूत प्रेत जादू टोने का तो आप उसे अपने ऊपर से भी उतार कर सामने रख सकते हैं। अगर आप किसी और का जादू निकालना चाहते हैं, जैसे मेरे पास कई लोगों ने मेल किया कि बाबा मैं किसी को बहुत चाहता हूं बाबा, लेकिन उसके ऊपर कुछ ऐसा जादू किसी ने कर दिया है कि वो अब मेरी नहीं सुनता या मेरी नहीं सुनती, उसके घर वालों ने उसके ऊपर ऐसा कर दिया है या उसके रिश्तेदारों ने कर दिया या दुश्मन ने कर दिया है कि बाबा अब वो मुझे पलट कर भी नहीं देख रहा, तो आप उसके भी दिल में प्यार डाल सकते हैं उसका जादू निकालकर। जी हाँ, उसकी तस्वीर को सामने रख के खड़ा रखिए दीवार की तरफ, और उस तस्वीर पर से आपको नारियल को 3 बार उतारना है। नारियल ब्राउन कलर का हो, चॉकलेटी, जिसमें पानी हो, हरे कलर का नारियल वो नहीं जो बीमार होने के बाद पिया जाता है, या जो लेटा हुआ व्यक्ति हो आप उस पर से भी नारियल को उतार सकते हो। उतारने के बाद ही आपको उसके ऊपर पढ़ाई करनी है, सबसे बड़ी बात, पहले उतारना है, फिर अपने मन की इच्छा मंत्र पढ़ने के बाद बोलनी है। मंत्र है,
ओम नमो आदेश गुरु को सर्वंगनाथ माई होलिका शतकनी प्रणाम गुरुवाणी अग्निशानी भूत प्रेत लगाया किया कराया दुकान मकान से बांध हटाया बंधन टूटे माया छूटे जो न टूटे तो गुरु सर्वंगनाथ तोड़े कमान शब्द साचा पिंड काचा चलो। अगर आपके ऊपर किसी ने किया कराया करवाया हो जादू टोना किया हो कुछ खिला दिया हो कुछ पिला दिया हो दुकान मकान का बंधन हो या आप किसी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है पलंग पर व्यक्ति पड़ा हुआ है दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे दुकान नहीं चल रही है ऐसे अनेकों समस्या का इलाज केवल एक नारियल से आप कर सकते हैं। ये श्रीफल है। अब उस नारियल को जब आप पढ़कर उतार ले तब आपने देखा होगा कि जगह जगह पर होली जलती है। आपको जाना है आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है आपको जाना है चाहे आप मुस्लिम हो चाहे आप किसी भी धर्म के हो आपको जाना है और आपको उस नारियल को उस अग्नि में फेंकना है जब होली जलाई जाती है जब जलती हुई होली में आपको फेंकना है और अपनी मनोकामना बोलनी है इस काम के लिए कि मैं इस काम के लिए आपको इसमें चढ़ा रहा हूं नारियल को बोलना है और मेरा ये काम हो जाना चाहिए और वहां से पलटकर घर आ जाए। अब अपनी मनोकामना आप किसी को अब इसका असर आपको केवल 7 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो मंत्र मैंने बताया वाकई काम करता है इसका बहुत असर है। अब जो दूसरा मंत्र मैं बताने जा रहा हूं या दूसरी दुआ जो मैं बताने जा रहा हूं वो मुस्लिम तरीके से है जैसे सिफली अमलिया किसी ने सिफली कर दिया है किसी ने काला जादू कर दिया है बहुत परेशान है कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए तो जादू टोना उतारने का सबसे बड़ा दिन होली दिवाली और ग्रहण होता है। बड़े से बड़ा जादू निकल जाता है। नारियल को आग में फेंकने का मतलब हमारी सारी बलाओं को सारी मुसीबतों को सारी बीमारियों को हम उस अग्नि में जलाकर भस्म कर रहे हैं यानी उस आग में जलाकर खत्म कर रहे हैं। दुआ है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम उलट फेर पलट फेर जिसने भेजा उसी पर फिर जो न फेरे तो 180,000 पीर पैगंबर की दुहाई फिरे नहीं तो सटक पीर की दुहाई लगे हुक्म अल्लाह का। सिर्फ 101 बार पढ़कर नारियल पर फूंकना है और उस नारियल को ले जाकर जलती हुई अग्नि में डाल देना है। जी हाँ जब तक आप ऐसे उपाय ऐसे टोटके ऐसे प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूं जब तक आप करोगे नहीं आपको इसका असर कैसे देखने को मिलेगा। सब सोचते होंगे कि कुछ भी बता रहा है इससे होगा क्या अरे हटाओ छोड़ो बकवास है फिजूल में बोल रहा है अरे ये तो टाइम पास है सुन के क्या करना है छोड़ो ऐसा होता है क्या कौन बैठेगा ठंडे में नहा के बैठने का पढ़ाई करने का आधा घंटा। अगर आप इस तरह के मन में क्योंकि कोई भी अच्छा काम अगर आपका होने वाला होगा तो शैतान नहीं चाहेगा कि आपका अच्छा हो। शैतान हमेशा आपको भड़काएगा बहकाएगा गलत रास्ते पर ले जाएगा दिमाग में गंदे गंदे ख्याल डालेगा। तो कोशिश ये करिएगा कि आप जब तक इसका प्रयोग नहीं करोगे तब तक आपको इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। अगर मेरी बात से आपको कहीं भी किसी को भी बुरा लगता हो तो मुझे माफ कर देना लेकिन आप मेरी बात को समझना और करके देखना अब वाकई में कहोगे कि आपको इसका असर देखने को मिला। ऐसे और भी रहस्यमय साधनाएं ऐसे अमलियात मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। जब तक के लिए नमस्कार खुदा हाफिज़।